6 महीने। आप किस कंपनी में हो अभी फिलहाल? मैं अभी KPTC में हूँ। अकोमोडेशन फूड क्या क्या है? हाँ, जो रूम है वो कंपनी का है, रहना पूरा कंपनी का है। okay. खाने का सिस्टम खुद का होता है, खाने का खुद का है। हाँ, तो खर्चा कितना था लगभग उसका खाने का? खाने का सबसे कम मेरे कंट्री में यहीं पे, यहाँ पे ही है। फिर भी अंदाजे कितना था, कितना केडी? अंदाजे लास्ट मोबाइल रिचार्ज खाना पीना सब टोटल करके 20 KD लास्ट। देखिए भाई, जब भी कोई बंदा अपनी होम कंट्री से, घर से विदेश आता है, तो सिर्फ और सिर्फ घर छोड़ने का उसका एक ही मकसद होता, वो होता पैसा कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा के बचा के घर भेजना। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर आप बस ड्राइवर की जॉब में कुवैत में आते हैं तो कितना पैसा बचा के आप घर भेज सकते हैं? आपने स्टार्टिंग में वीडियो देखी होगी, भाई ने सब कुछ क्लियर करा है कि यहाँ अगर आप बस ड्राइवर की जॉब में आते हैं KPTC कंपनी में, जिसके पास काफ़ी काम है, बस ड्राइवर का भी काम है, यानी कि स्कूल की बस का भी काम है, रूट बस के लिए भी काम है, और जैसे टूरिस्ट वगैरह आते हैं या टूरिस्ट बस पे भी काम होता है, यानी कि KPTC के पास बहुत ज़्यादा काम है। अगर आप KPTC कंपनी में आते हैं बस ड्राइवर की जॉब में, तो मैक्सिमम आप कितना पैसा बचा सकते हो फ्रेशर में या एक्सपीरियंस में? तो सारी बातें भाई वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिएगा। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए भाई, आप नज़ारा देख सकते हैं, बैकग्राउंड में शीशा लगा हुआ और शीशे में इमेज आ रही है, समुद्र के बीच पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। बड़ा अच्छा मौसम है, फ्राइडे का दिन है। देखिए भाई, सिंपली ये है कि अगर आप फ्रेशर हैं, आपके पास गल्फ का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और आप बिल्कुल आप फ्रेशर पहली बार अगर आप कुवैत आ रहे हैं, तो आपकी कितनी सैलरी है? तो मैं देखिए सैलरी से स्टार्ट कर लेता हूं। तो देखिए, अगर आप कंपनी में आते हैं फ्रेशर के काम में आते हैं, चाहे किसी भी काम में आते हैं, चाहे वो बस ड्राइवर की जॉब में आ जाइए, टेक्नीशियन में आ जाइए या लिफ्ट ऑपरेटर में आ जाइए, इट मीन्स ये है कि किसी भी काम में आते हैं, फ्रेशर में आते हैं, तो आपकी सैलरी ज़्यादा नहीं होती भाई, 110-120 दिनार सैलरी होती है, और उसमें भी आपका खाना होता है। कुल मिलाकर अगर मैं बचाने की बात करूं, तो INR में, इंडियन रुपीज़ में, आप 20-25 हज़ार रुपये बचा के घर भेज सकते हैं। क्योंकि देखिए, हर कंट्री में महंगाई है, जैसे इंडिया में महंगाई है, इसी तरीके से इधर भी महंगाई है। अगर आप पेट ज़्यादा काटोगे, वही है बिल्कुल जीने लायक खाओगे, तो भाई थोड़ा सा ज़्यादा ले लो, 25-27-28 हज़ार रुपये आप घर भेज सकते हो। और अच्छा खाना पीना रखोगे तो भाई वही है, 20-25 हज़ार एक रेंज है। और एक चीज़ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कोई भी कंपनी आज के टाइम में, वो ज़्यादातर कंपनी खाना जो है खुद नहीं देती हैं, जो आपको सैलरी देंगी उस सैलरी में आपका खाना होता है, यानी कि बेसिक प्लस फूड। आपकी बेसिक सैलरी रहेगी 100 या 110, और उसमें 20 या 25 KD आपके खाने का रहेगा। तो भाई ये रियलिटी है, आपका जो पहला कन्फ्यूज़न होता सैलरी को लेके, वो मैंने क्लियर कर दिया है। देखिए अब आता हूँ पॉइंट टू पॉइंट। अगर आप बस ड्राइवर की जॉब में आ रहे हैं फ्रेशर, तो स्टार्टिंग में देखिए, आप चाहे क्लाइंट के थ्रू आए या ऑफिस के थ्रू आए, आने के बाद यहाँ सबसे पहले आपका क्या प्रोसीजर होगा, यहाँ पर सबसे पहले कंपनी आपका पासपोर्ट जमा कर लेगी, और जिस कैंप में भी आपके लिए बंदोबस्त करा होगा उस कैंप में, उस रूम में आपको शिफ्ट कर देगी। वहाँ पर आपको सब जो भी, यानी कि बेड है, कंबल शीट है, तकिया, गद्दा वगैरह, XYZ जो भी इंसान की ज़रूरत की चीज़ें होती है, वो आपको दे दी जाएगी, और आपको 20-25-30 KD खाने के लिए दे दिए जाएंगे। उसके बाद क्या प्रोसीजर स्टार्ट होगा? उसके बाद देखिए, प्रोसीजर स्टार्ट होता है नॉर्मल मेडिकल का, आपका लाइसेंस का, और आपका FMR का। ये प्रोसेस आपका 3 से 4 महीने चलेगा। मैं देखिए सारी जानकारी आपको शॉर्ट में दे रहा हूँ, आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये वीडियो देख ली ना भाई, तो जितनी भी आप ओवरऑल वीडियो देखोगे, तो सब वीडियो में आपको यही इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो मैं आपको दे रहा हूँ। ये निचोड़ है भाई पूरे YouTube का जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ आपको आने के बाद जो है खाने का खर्चा दे दिया जाएगा, फिर खाने का खर्चा देने के बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा मेडिकल का, क्योंकि सारे काम मेडिकल के बाद ही है। मेडिकल होगा आपका, मेडिकल के बाद फिर आपका लाइसेंस और आपका एकामा का प्रोसेस होगा, यानी कि 3 से 4 महीने का प्रोसेस लग जाएगा भाई एकामा आने में और आपका लाइसेंस आने में ड्राइविंग। ये ड्राइविंग लाइसेंस आने के बाद, एकामा आने के बाद आपकी ड्यूटी ज्वाइन कराएगी कंपनी, और ज्वाइन कराने के बाद अगर आप बस ड्राइवर में हैं, तो देखिए बस ड्राइवर का नॉर्मली है पूरे दिन का काम होता नहीं है, सुबह को बच्चों को ले जाना होता है और छुट्टी के टाइम पर ले जाना होता है। अब उसमें कितना टाइम लगेगा, उतना टाइम आपकी ड्यूटी रहेगी। बीच के टाइम में देखिए आपको रेस्ट करना होता है, इसमें ऐसा नहीं कि कंपनी आपको ओवर टाइम दे, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपकी ये जो लाना ले जाना है, इसी की आपकी जो है सैलरी बनेगी। अगर आप फ्रेशर हैं तो वही 110-120 दिनार आपकी सैलरी होगी, एक्सपीरियंस में आएंगे तो ज़्यादा आपकी सैलरी होगी। अब रही देखिए छुट्टी की बात, तो फ्राइडे क्या होता है, देखिए मुस्लिम कंट्री में फ्राइडे हॉलीडे होता है। अगर फ्राइडे के दिन अगर आपका कंपनी कहीं ड्यूटी लगा देती है किसी दूसरे रूट पर, किसी दूसरे बस पर, तो आपको ओवर टाइम मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि परमानेंट आपका ओवर टाइम है, तो वो ये काम के ऊपर डिपेंड है। तो ड्यूटी लगेगी तो ओवर टाइम मिलेगा, और अगर आपकी ड्यूटी नहीं लगती है तो भाई रूम पे बैठ के आप खाना पिए खाइए और रेस्ट कीजिए।
ये चीज़ है। और देखिए अगर वैसे जो बस ड्राइवर की जॉब होती है उसमें ज़्यादातर ओवर टाइम नहीं होता। हाँ अगर आप रूट बस में आते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस में आते हैं या टूरिस्ट बस में आते हैं तो उसमें क्या होता है भाई, आपके ओवर टाइम के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि एक्चुअली क्या है, देखिए बस ड्राइवर का तो काम यही है कि बच्चों को लाना और ले जाना, लेकिन जैसे मैंने अदर बताया पब्लिक बस में या आपका टूरिस्ट बस में तो उसमें तो भाई 24 घंटे की सर्विस होती है, तो उसमें क्या होता है जो आपकी सैलरी होगी 8 घंटे की, तो उस सैलरी के ऊपर, उस सैलरी के यानी कि उन 8 घंटे के बाद आप जितना काम करोगे, जितनी सवारी उठोगे, जितना आप काम करोगे, उस काम के हिसाब से आपका कंपनी परसेंटेज के हिसाब से कमीशन बांध देगी और उसी के हिसाब से आपको ओवर टाइम मिलेगा। उम्मीद है भाई ये छोटी सी जानकारी आपको क्लियर होगी। अब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ आपका छुट्टी का क्या हिसाब है। देखिए छुट्टी का हिसाब वो सिंपली है, आपकी फ्राइडे में छुट्टी रहती है, यानी कि महीने में आपकी 4 छुट्टी होंगी। अगर छुट्टी में अगर आप काम करते हैं तो उसका पैसा मिलेगा, और अगर काम नहीं करते हैं तो आप रूम पे बैठिए। और साल में देखिए वही है, जैसे हर कंपनी का नियम होता है, इसी का भी यही नियम होता है कि आपका 3 यानी कि बस ड्राइवर की जॉब में, स्कूल बस के ड्राइवर की जॉब में आप आते हो तो स्कूल की छुट्टी 1.5 महीने 2 महीने की अगर होगी तो उस छुट्टी का आपको कंपनी पैसा देगी और उसके हिसाब से आप अपना घर जा सकते हैं। सिटी बस में अगर आप काम करते हैं तो साल में आपको छुट्टी मिलेगी 1 महीना 35 दिन की, जो भी है। देखिए कंपनी का नियम चेंज होते रहते हैं वक्त के अनुसार, कभी ज़्यादा भी हो सकती है छुट्टी, कभी कम भी हो सकती है, उसके हिसाब से जो भी आपका पैसा बनेगा वो पैसा कंपनी आपको देगी और उसके हिसाब से आप घर जा सकते हैं। तो ये तो देखिए छुट्टी का है। इमरजेंसी का ये है कि आप किसी भी कंपनी में आए तो इमरजेंसी आप कभी भी जा सकते हैं। और देखिए टिकट का ऐसा हिसाब है, कंपनी कभी देती है कभी नहीं भी देती है, तो कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि कंपनी टिकट आपको देगी जाने का और आने का। ये तो भाई देखिए इंटरव्यू जब क्लाइंट होता आप वहाँ पर जाके क्लियर करिएगा, और जब आप यहाँ जाते हैं और आपका एग्रीमेंट होता तो यहाँ आके क्लियर कीजिएगा। तो भाई देखिए जो मेन इन्फॉर्मेशन थी, यहाँ जो ड्यूटी होगी वो नॉर्मल 8 घंटे की होगी, 8 घंटे के ऊपर अगर आप काम करोगे तो उसका आपको ओवर टाइम मिलेगा, और खाना आपका अपना होगा, और प्लस में जो ट्रांसपोर्ट है आने जाने का, कहीं अगर आप जाते हैं तो वो भी आपका अपना ही होगा, और प्लस में खाना मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी अपना होगा, और जो आपका रूम होगा वो कंपनी के थ्रू आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप जो भी गाड़ी आप चलाते हो उस गाड़ी में तेल का, मेंटेनेंस का कोई भी प्रॉब्लम आती वो कंपनी का है, आपका कुछ नहीं है। तो भाई जो मेन इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने क्लियर कर दी है। अगर आपका कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। भाई देखिए यहाँ पर मैं ये वीडियो बना रहा था सुंदर के बीच पे, तो भाई देखिए मैंने कोशिश की है एक एक पॉइंट टू पॉइंट इस वीडियो में हर बात को क्लियर करने की, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रहे, सवाल रहे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कोशिश करूँगा आपके हर कमेंट का जवाब देने की। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक लेटेस्ट अपडेट में नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट।